हाँ बाबा, कैसे हो? खाने को लोगे कुछ? क्या देंगे? पैसा चाहिए? कैश खाओगे? पैसा दे देंगे, खाना है कुछ? पैसे का क्या लोगे? ठीक है बाबा, पैसा दे देते हैं। जे ले ले बाबा 100 रुपए। बाबा जी कितने का नोट है? 100 का। तेरे को दिखता नहीं है? ये कितनी उंगली है मेरी? ये कितना उंगली है? कितना है? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5। अब कितनी है? दिखता नहीं। बाबा अब कितना उंगली है? हैं? बाबा दिखाई कब से नहीं देता तेरे को? 4-5 साल हो गए। बिल्कुल नहीं दिखाई देता? माड़ा माड़ा दिखता, थोड़ा दे दे। आपका शरीर दिख रहा मगर चेहरा नहीं दिखता। चेहरा नहीं दिखता, पूरा बॉडी दिखता है। बॉडी दिखता। तो टट्टी ऐसे हाथ से निकाल के फेंक देते हो? क्या करें, मुश्किल में हो बाबा। कौन हमारे मुसीबत, हम कोई कर्म? बाबा बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं, गांव बाव में कोई भाई बहन? पता नहीं, 85 में आए थे, बैठ लो कितने साल हो गए। 85 में पंजाब आ गए थे? हाँ। इसको बोलो लाइव कर दे तो अच्छा लगेगा। लाइव तो बाबा आप 85 में आप जब आए थे तो क्या काम करते थे यहाँ? कोई रिक्शा चलाते थे? पहले कुछ दिन दिहाड़े किया, दिहाड़े करने के बाद फिर उसके बाद रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा चलाने के बाद तबीयत ढीली हो गई, फिर रिक्शा बेचना पड़ेगा, फिर ये पोजीशन में आ गए, फिर बॉडी डेड हो गई। अब चलते हैं तो डंडे के सहारे चलते हैं। ठीक है तो बाबा कोई साथी बाती नहीं है यहाँ पे, दोस्त कोई? और कोई नहीं, दोस्त आप ही हो। जैसे आप कुछ खर्चा देंगे, कोई और आया हुआ खर्चा देगा, कोई आ गया रोटी देगा, कोई आ गया परोठा देगा, कोई आ गया चाय पिला गया। इस रोड पे ऊपर कितना टाइम हो गया रहते हुए? बता तो रहा हूँ, 85 में आए थे। नहीं तब से रोड पे हो? हाँ। नहीं पहले तो रिक्शा चलाते थे ना? हाँ। जब रिक्शा चलाते थे तब तो 4-5 साल कमरे कमरे में रहते हो गए ना तब तो? हाँ तब कमरे में रहते रहे। हाँ। नहीं है कमरे में कोई रखता नहीं है। कहता पहले किराया हमको पंडोस भरना पड़ेगा, रोटी पंडोस खिलानी पड़ेगी, गुजारा करते करना पड़ेगा। फुटपाथ पे रहते हो? हाँ, गुजारा करते हैं। क्या नाम है बाबा? शिव कुमार। शिव कुमार है बाबा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम राम सेवक। राम सेवक। तो बाबा जी फिर अब रहने कहने कहाँ के हो? हाँ। वाले रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाले मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हो? जिला? जिला सतना। सतना। दीवा कट्टे। और बाबा कुछ चाहिए आपको? कपड़ा लीड़ा कुछ? बस यही। कुछ और चाहिए तो और दे देते हैं बाबा। कपड़े हैं, कंबल हैं हमारे पास अच्छे। क्या चाहिए बोलिए आप? ऐसे तो बाबा रोड पे कैसे रहोगे बाबा? ऐसे पैसा भी कितना देंगे? कुछ छीना जप्ती कर लेगा तेरे से? पहले भी कितनी बार छीना जप्ती किया लोगों ने? छीन के ले जाते हैं ना? नहीं ले जाते हैं, जो शराबी वराबी होते हैं ले जाएंगे तो पहले अपना कर्म बनाएंगे, हमारा थोड़ी बनाएंगे। उनकी रहेगी कहाँ? यहाँ सीने के बाद शराब मिल जाएंगे ठेके वाले के। तुम नशा करते हो क्या बाबा? नहीं। शराब पीते हो? जैसे जब बेंसा आ गया था जहाँ पे जे वो डा बछड़ा
ऐसे यहाँ पे आता कभी जानवर मार जाएगा तेरे को, यहाँ पड़े पड़े क्या करोगे बाबा। हमारा बाबा यहाँ पे ना आश्रम है यहीं पे लुधियाना में, तो हम आपको लेने आए हैं, वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे अच्छी खाना पानी मिलेंगे, आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, लेंस पढ़ने दिखाना आप आंख एक बार। कौन भाई? बाबा मोतिया उतर रहा है आंख में ना, सफेद मोतिया, चिट्टा मोतिया वो हो रहा है, उसका ऑपरेशन हो जाएगा बाबा, ठीक हो जाओगे आंख से, आंख से दिखना सही हो जाएगा, तो फिर एक अच्छा जीवन व्यतीत करोगे आप। तो ऐसे सड़क पे बैठने से तो अच्छा है, आप आंख का ऑपरेशन करवा लो, यहाँ पे छोड़ देंगे, बाद में आ जाना आप वापस, यदि आना हो तो आंख का ऑपरेशन करवा लो, यदि चिट्टा मोतिया है ना बाद में काला मोतिया हो जाएगा, फिर कभी दिखाई नहीं देगा, नहीं तो करवाना है चले, ठीक है। देखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असि खड़े हैं जी इत्थे, टिब्बा रोड ते, टिब्बा रोड ते सतसंग भवन आ, पिछे सतसंग भवन आ बहुत वड्डा, उसके गेट के मूहरे बैठे थे पहला बापू जी, हुण इह इत्थे आ, आप कोई बंद पई आ रेहड़ी, इहदे मूहरे बापू दे लाई होई आ, जिहदे नाल हवा हवा नहीं आउंदी बापू दे विचारे नूं, नैनीताल नान भटूरिआं वाला स्पैशल, जिहदे नाल बापू नूं सिद्धा हवा का बुला नहीं पैंदा। शिव कुमार दस्से ना, ना शिव कुमार नाम दसदे बापू जी अपना, राम सेवक अपने पिता का नाम दसते हैं, सदना जिला दसते हैं, एमपी तो हाँ बापू, कहना सन 85 च आया थी मैं लुधियाने, उदों रिक्शा चलाउंदा सीगा, अपनी रोटी खांदा सी वधिया, हुण बापू कहिंदा दिखणों भी हट गया, बंदे दे परछावां तां दींदा वा पर बंदा नहीं दींदा, चेहरा नहीं दींदा उहदा, हुण इत्थे सड़क ते फुटपाथ ते पिया, ओह भगवान दा उस रब दा इंतजार करदा बैठा, कोई रब दे रूप दे विच कोई आउंदा हर रोज उहदे कोले रब पहुंचदा, इस रेहड़ी गांह नूं कर दो थोड़ी उधरों फड़ती रूप, हर रोज रब इहदे कोले आउंदा, दिन च 10 वारी भी आउंदा, ओह साडे कोले दिन च ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ 4-5 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇ 4-5 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਆ ਪੋਟੀ ਪਈ ਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਪੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਥੱਲੇ ਟੋਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਪੋਟੀ ਇਹਨੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੱਥ ਤੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਿਓ ਅਲਟਾ ਆ ਨੌ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਆ, ਆ ਪੈਂਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਬਲ ਪਏ ਆ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ,
इतने देखो पे ने ब्रेड, एक गिलास भी पिया बापू को। गचक भी पई आ। और जे इत्थे कोई कमी आ तां इक्को ही आ भी इस इंसान नूं किसे अपने दी कमी आ, कोई इहदा अपना है नहीं। छड़ा सी कहिंदा मैं ब्याह नहीं कराया, 1985 च पंजाब आ गया, इत्थे आके रिक्शा चलाउंदा रहा। जब तक रिक्शा चलता सी शरीर सीगा चलाउंदा गया। हुण दिखनो हट गया, बहुत घट दिंदा। हुण रिक्शा भी नहीं चलता, तो कमरा भी कोई किराए ते नहीं दिंदा। तां शिव कुमार वल्द राम सेवक सड़क ते बैठा फुटपाथ ते, इत्थों दी एमएलए एमपी भी लंघदे होणगे जिहड़े साडी चुणे होए आ जिन्हां दी ड्यूटी बनदी आ इह। इत्थों दी कदे डीसी भी लंघदा होऊ शहर दा साडे दा, इत्थों दी कदे इत्थों दे लोकल काउंसलर आ उह भी लंघदे होणगे। पर सारे इन्ने बेबस आ, सारे इन्ने बेबस आ, वह इस बंदे की मदद नहीं कर सकते। जे कोई दानी भी आउंदा इत्थे रब के रूप दे विच, वह भी आके इस चीज़ नूं चाहुंदा भी इहदा कोई हल करिए। इत्थे रब भी मजबूर हो गया, अज वो रोटी दे जांदा इक टाइम दी, वह कहिंदा कोई गल नहीं भगता बैठ हजे किसे दिन होऊगा तेरा हल। ते इदां दे लोग फिर इदां ही पए, एक दिन ठंड चक्कर जांदे आ ते वह मर जांदे ने लोग। मरन तो उपरंत एडा तकड़ा सिस्टम काम करदा, यह नहीं फिर भी शिव कुमार मरिया होया इत्थे दो दिन पिया रहू, दो घंटे भी नहीं रहन दिंदे। डेड बॉडी चक के ले जांदे आ कि वो उत्थे लाशां दा ढेर लाया होया, उत्थे यह भी नहीं पता लगता कि लाश किहदी आ। थोड़े दिन पहला तुसीं सुनी है खबर भी एक नौजवान मौत हुई मुंडे की, उहदी डेड बॉडी किसी होर नूं देती, उन्होंने भी नहीं देखी, प्यो दे पुत्तां ने चक के उन्होंने संस्कार करता। वह मुंडे दीआं भैणां बाहरों आईआं सहेलियां तों आ के उन्होंने कहा साडी भरा की डेड बॉडी दिओ, है ही नहीं, कहिंदे जी उह तां किसी होर नूं देती। असीं आप एक दिन मोर्चरी च देखिया जाके लुधियाणे, लाशां दे उत्ते लाशां इदां सिटियां होईआं ढेर लाए होए आ। जिउंदिआं नूं कोई नहीं पुछदा, इत्थे लाशां दे ढेर ही चकदे आ। उह जिउंदिआं नूं सांभण वास्ते उहनां कोले कोई सिस्टम ही नहीं हैगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलां दे विच इहनां दी कोई बांह नहीं फड़दा। प्राइवेटां दे विच लिजाण दी अज दे टाइम च समर्था रब कोले भी नहीं छड्डी डाक्टरां ने। जे रब रूप कोई आउंदा ना इत्थे नूं रोटी दे के जांदा रोज आके, पर उह वी असमर्थ होया होया। इह बंदा उहनां हत्थां नाल ही लैटरिन कढ के सिरदा, उन्हां हत्थां नाल ही रोटी खांदा। इहदे कोले शंक नहीं लग्गिआ इत्थे भी साबण नाल धो के रोटी खाऊगा। इह बड़ी दुख की गल आ, बड़ी त्रास की है साडी समाज की, बड़ी शर्म की गल आ साडे समाज वास्ते। अज अन्नदाता कह होण वाला पंजाब, अज साडे इत्थे आए हुए मेहमानां नूं भी नहीं सांभ पा रहा। ये साडे मेहमान ने, ये साडे कोल इत्थे किरत करन लई आउंदे ने पंजाब च, साडे घरां दे कम करदे ने सारे।
इन्हां दे रिक्शे ते बैठ के असीं ऐ जाने आ बैठे शाह बने, पर जदों ये लोग सड़क ते आ जांदे असीं दानी बन जांदे आ, फिर असीं 10-10 रुपये दे दिंदे आ, देना शुरू कर दिंदे आ। ते सिस्टम नूं बदलण दी जरूरत आ, समाज नूं बदलण दी जरूरत आ, पंजाब नूं भी बदलण दी जरूरत आ। अज ये गल कह के ऐलान करी जांदे ने, इत्थों जाण दीआं सोची जांदे ने, कोई कनेडा नूं तुर जांदा, कोई अमरीका, कोई यूएसए अपने आस्ट्रेलिया नूं, कोई यूके नूं, पर इहनूं इहदे विच रहि के बदलण दी लोड़ आ। साडी हत्थ जोड़ बेनती आ, ठंड बहुत आ, हड्ड नूं चीरदीआं जांदीआं, हड्डां नूं चीरदे जांदी आ हवा, इस ठंड के शिव कुमार अड़के बहुत बैठे ने, यकीन मन्यो 8 दिन हो गए सानू इन्हू आउंदिआं नू लैण। हर रोज रात नू जदों मैं सौने असी ये बापू का चेहरा नजर आउंदा, साडे कोले उत्थे एक भी बैड लाउण दी जगह नहीं सी, अज तरपालां पा के एक शैड बनाया छोटा जिहा, ते फिर असी सोचिआ अज जरूर लैके आउणा बापू नू। साडे कोले 8-10 दिन हो गए बाई ने वीडियो भेजी नूं, ते अज बापू शिव कुमार नूं आके पुछिआ, बापू आपदी एक कमजोरी उह वी लुको रिहा वी मैं दींदा नहीं बापू नूं, बापू कहिंदा मैनूं दींदा मैं ठीक हाँ, क्यों वी जे लोकां नूं पता लग गया वी इहना इह तां शाम नूं लुट के लै जाणगे, इहदे कोले जिहड़ा 500-400 रुपया होऊ विचारे कोले वो ले जाएंगे, क्योंकि अज एक अन्ने नूं ये लुकाउणा पै रहा भी मैं अन्ना, क्योंकि समाज इन्ना अन्ना हो गया वो अन्ने नूं भी देख नहीं पा रहा, अन्ना होया समाज। बापू दे हाथ लाने आ बहुत, वो कहना मामूली जा दींदा मैनू परछावा टाइप, चेहरा नहीं दींदा, पर भरावो भैणो तुहानू तां दिखदा ना, कोई उपराला जरूर करिया करो, ठंड बहुत ज्यादा, जदों घरे जाके आपां नैग च बहिने रजाई च उदों सोचिया करो भी जदों असीं गड्डी च बैठे जांदे सी उह बापू सड़क ते पिया सी उहदा की बणिया होऊ, जदों असीं गुरुद्वारा साहब जाके आए हां अज दुख निवारण साहब दे बाहर जदों अंदर बड़े हां उत्थे जिहड़ी बेबे पई सी उहनूं भी ठंड लगदी होऊ कि नहीं लगदी होऊ, उहनां दे दर्द नूं उहनां दी तकलीफ नूं जरूर समझिआ करो भी सड़क ते जिहड़ा चौंक दे विच निक्का जिहा बच्चा साडी गड्डी दे शीशे ते हत्थ मारी जांदा सी वो नंगे पैर सी चप्पलां भी नहीं पाईआं सी उहनूं ठंड लगदी होऊ कि नहीं लगदी होऊ, इह सवाल जरूर पुछिआ करो अपने आप नूं, क्योंकि असीं बदलना पंजाब नूं जां समाज नूं नहीं, पहलां खुद नूं बदलना सी अपने आप। जे असीं अपना आप बदल लिया तां शिव कुमार हुणी इदां नहीं रुलणगे। बापू जी चलिए, चल बापू फिर उठ नारशाल बोले सो निहाल श्री अकाल। गिला ही पिया बैठा बेचारा बिचे ही पेशाब, देखो किदा पेशाब चोंदा, कोई ना कर लेने बापू पैर। चढ़ते अपना इधर रख ले बापू हाथ, ए बापू दा इधर रखा दे, एक मिनट बापू बस एक मिनट,
आया पीछे नोट बस बापू बस बिठाने इन्ने लोग मूक दर्शन बन के खड़े देखते रहते कोई हाथ भी नहीं लवा रहा कोई इन्ने गंदे हालात च बंदे नूं हाथ भी नहीं लवाना चाहता कोई चारे पासे खड़े देख रहे लोग किसी एक भी बंदे ने आके हाथ लवाउण दा भी जतन नहीं किया वहां पे बाबू कोई जरूरी चीज पड़ी है तुम्हारी कोई वहां पे पैसा वैसा कुछ लंबा शुरू कर काका कोई रजाई भी है नहीं ऐ बेचारे को फैक्ट्रिया ना जो सुटिया सुटिया हों दे कोई लोग देखो इतने पैसे कट्टी ना लिबड़े हुए पे ने नोट देखो आने सौ सौ के नोटा ना उल्ली लगी पई देखो की करने ने पैसे थोड़े जेड़ी चीज इन चाहिए है ग्लव्स पा लो सरदार जी रखे हो जेड़ी चीज इन चाहिए आ वो तो इन कोई दे नहीं रहा असि अगे भी अक्सर गल करते हों दस दस रुपये सैट के ना इंसान की बेइज्जती ना करया करो जे उन्हें मदद देनी है कोई तो उन्हें कोई रोटी दे दो कपड़े दे दो कोई दवाई ले दो आप इन्हें थोड़े दान किए हुए नोट अमूत ना भेजे हुए पंजाबियों का नोट थोड़ा जे कोई मदद करनी है तो जरूरत नू पूरा करके करो एवें दस दस रुपये दे के दानी बन का कोई फायदा नहीं भरावो अरे दे सब तू साडा शीशा दिखाना फर्ज बनता साढ़े समाज नू भी तुसी दस रुपये दे के
अपनी जिम्मेवारी तो पल्ला नहीं झाड़ सकते। डंडा परे कर देखे इन जैकेट न देखो किदा बिचे ही पेशाब करी जाता बिचे ही लैटरिन करी जाता लैटरिन चक चक हथा ना सीटी जाता तुसी दिते हुए नोट आ जिहड़े तुहाडे आ पए आला अमूत दे विच भिज्जे हुए पए ने तुहाडे दिते हुए नोट बापू दे वाले इस मलमूत्र च हाथ मार के सानू भी कोई ज्यादा बड़ा चंगा नहीं लगता इन्नी ज्यादा स्मेल आ रही है काले लिफाफे दे पर इस गल का जरूर यार ख्याल करया करो भी तुहाडे 10 रुपये तुहाडे 20 रुपये किसे लेखे लगनगे नहीं तो यह जे बंदियां नू रात नू कुट के थप्पड़ मार के शराबियो ही नशेड़ियो ही खो के ले जांदे आ पैसे थोड़े उन्हां तों बचण दे मारे ने बापू ने आपदे थले लको लको के रख रिहा थोड़े दित्ते हुए पैसों नू ते आ थोड़े दित्ते हुए पैसे इहदे कम आ गए किते हुण लिफाफे च पा ला चढ़दे दी तू हालात अज साडे समाज दे बापू बेचारा ठंड च पिया इत ठुर ठुर करता हजे भी कंबी जांदा हां जी हां जी अभी जो कंबल उत्ते मेरा नाम गुरप्रीत है वीरे गुरप्रीत आ पैसे बापू ले लिया चक लिया उतो मूत ना बापू लिबड़े पे लैटरिन पेशाब नाल देखो कहना दान पेटी भी पा दे ले। हजे भी वो बंदा कह रहा भी दान पेटी च पा दो कोई ना देखो असल दानी फिर कौन आ तुसी बंदे हो या शिव कुमार दानी आ तुहाडे दान दिते हुए पैसे बापू कह रहा भी दान पेटी च पा दो उहदे किसे काम मिलदे नहीं सी उहदे काम तां इह चीज सी भी तुसी इहनू दवाई दारू दवा दिंदे इहनू कोई मोटे कपड़े लैके दे जांदा इनू कोई वक्त कट के नहाई जाता लैटरीन लिपड़े गले हुए इनू कोई चक के सरकारी अस्पताल दाखिल ही कराया आता फिर बहाना जी जाता नहीं आखे नहीं लगता जी ये असि इनू कहा बापू ने जे सानू अज बापू इतने आया कह मैं नहीं जाना थोड़े नाल तो फिर असं मुड़ जाते साडा फर्ज बनता सी भी असं बापू नू बड़िया के समझा के क्योंकि बच्चे वाला दिमाग हो जाता जे उन्हूं सोझी हुंदी आपदी फिर वह गंद च क्यों बैठा हुंदा फिर वह क्यों की लिखाउणा इत्थे यार इह कि तों लिखाउणा छड्ड परां ला ले आ दिता कह रहे हाथ लवाया नहीं बापू नु चुकाउण लग्या तो बापू दे वास्ते सहन केड़ा करूगा चलदे आ बापू चाह पीने आपां चलो ठीक है बाई जी सत श्री अकाल बाई आ चक्की कपड़ा धन्यवाद भी इहदा उह वाहिगुरू की कृपा सच्चे पातशाह ने असीं तां कौण आ इह तां उही करवा रहे बाई उपर वाला ही
कोई राम कहिंदा कोई भगवान कहिंदा ठीक है भाई। मेरा नाम गुरप्रीत है, गुरप्रीत मनुखतारी सेवा। अज चलो हम असि लै चले बी जी अपने शहर च घटो घट 400-500 बंदा पिया है ना, ते कोई सिस्टम कोई सरकार है कुछ तो करे ना। देखो वीर कहने 3 महीने पहला सरकारी एम्बुलेंस बुला के 108 हॉस्पिटल भी भेजा सवेर नू, फिर सिस्टम तो काम करे ना। हुण जे उन्हां नू पुछिए उह कहिंदे जी चलिया गया जी असीं की करिए। हुण इक लवारिस पेशेंट आ जिहदे अगे पिछे कोई नहीं, उह ठीक नहीं हैगा, उह डाक्टर दे कोले पहुंच गया, उत्थे फिर डाक्टर दे जां डाक्टर दे डिपार्टमेंट दे जां सरकारी हॉस्पिटल दे मुलाजमान का भी फर्ज बनता भी अगे पिछे कोई नहीं, भी ये आपका चंगा माड़ा समझ नहीं पा रहा भी असी इनू घट्टो घट ठीक तो करिए। जे ठीक नहीं हो रहा उन्हें कोई शेल्टर ही दे दिए, चलो उत्थे छड्डे आईए। लुधियाने के डीसी साहब जे हुक्म करन अज लुधियाने च साढ़े उत्थे अननोन वार्ड बनी है, एक जिहदे विच अननोन पेशेंट पए ने जिन्हां का कोई नहीं वारस, उत्थे पई मर मुर जांदे आ जां चक के बाहर कढ दित्ते जांदे आ जां चक के दूर नेड़े सिट्टे आंदे आ उत्थे मर जांदे जाके, क्योंकि कोई पुछण वाला ही नहीं, उन्हां कोले कोई सिस्टम ही है नहीं भी वो चलो इन्हां नूं संभाल लैण, रखण कित्थे। पर इहदा कोई हल कढण दी लोड आ जी बहुत ज्यादा। इंसानियत हर रोज मरदी आ, इंसान मर जावे कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जदों इंसानियत मरदी आ फर्क पैंदा। साडे बच्चे साडी आउण वाली जनरेशन ये सब देख रही है, उन्हां दा फिर मनोबल टुटदा, वो देखते ने सड़कां ते रुलदे नूं किसी नूं मरदे नूं इदां, फिर वो सोचता भी मैं इत्थे की करना, कल नूं मेरे नाल भी इदां ही होऊ, फिर तां ही बाहर नूं भज रहे ने। जे इत्थों प्रवास रोकना ना तां जमीन तों कमियां लभ के उन्हां दा हल कढ़ना पऊ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।